गाइस, मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि कॉपीराइट वीडियो को ना फ्री कॉपीराइट बनाती है, ठीक है ना। वो पूरी वीडियो देखनी है तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी, तो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आप किसी यूट्यूबर्स की वीडियो को अपने यूट्यूब पर लगाएं तो वो उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम श्लेम नहीं आएगा। तो उस हवाले से मैं ये वीडियो बनाने रहा हूँ। बहुत ही नया वीडियो है जो कि आज मैं बनाने वाला हूँ। इसमें ना आप कोई भी वीडियो हो उसको ना अपने YouTube चैनल पर लगाएं, कोई कॉपीराइट कोई क्लेम नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, मैंने खुद ये ना ट्रिक आजमाया है। तो तब मैं तो वैसे ये वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मुझे मेरा कामयाब तजर्बा था, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को भी बता दूँ। तो चलो चलते हैं। आपने ऐसा करना है, काइन मास्टर जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है। ये सामने आपके सामने ये काइन मास्टर पड़ा है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब इंस्टॉल कर लेना है तो फिर इसको ओपन करना है, वो भी मैं आपको तमाम सेटिंग बताने वाला हूँ। आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर ही आपका ना कॉपीराइट वीडियो को फ्री कॉपीराइट बनाने का ना ऑडियो भी फ्री कॉपीराइट बनेगी और वीडियो हो वो भी फ्री कॉपीराइट बने, कोई क्लेम श्लेम नहीं आएगा, ठीक है ना। मैंने खुद ये सब कुछ आजमाया है, कोई ऐसा वैसा ना इसमें नहीं है, 100% ये वर्किंग है। ये आपने ऐसे ये कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है सामने जो तीन पड़े इनमें से जो भी कर लें, मैंने तो ये कर लेना है ना, ठीक है। आप देखते हैं ना, ये बहुत ही नायाब, कभी किसी ट्रिक आप यूट्यूबर ने आपको नहीं, ये ट्रिक वालों ने नहीं बताया होगा कि कैसे आप वीडियो को कैसे किसी यूट्यूबर की आप वीडियो लेके अपने चैनल पर ना इसी तरह मेरी तरह एडिट करके आप लगा सकते हैं, कोई फ्री कॉपीराइट नहीं। तो आपने मीडिया पर जाना है, आपको पता होगा सब इसका ना तरीके का। अगर नहीं पता तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मैं इतने ऊपर ना लाइन नहीं लगा सकता, ठीक है, टाइम नहीं है सबको बताना है। तो जल्दी जल्दी ये करेंगे काम ना, ठीक है। तो मेरे पास ये ना डाउनलोड में चले जाते हैं, तो डाउनलोड में ये मेरे पास, बल्कि ये नहीं, इस डाउनलोड में नहीं नहीं है। तो पूरी यार वीडियो समझ नहीं है, कोई भी आप वीडियो ना अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं एडिट करके इस तरह, ठीक है। बहुत ही यार नायाब तरीका ये डाउनलोड में मेरे पास जो ये वीडियो पड़ी है ना, ये कह दें ये कौन सी वीडियो यार जो अच्छी सी हो ना यार, कैमरा में जाएं, यहाँ पर मैं आपको वीडियो एक ना सेलेक्ट करके दूं जो के, हाँ तो ये वीडियो आपको सामने वाली ये वीडियो कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो है ना, आपने ये अगर कॉपीराइट वीडियो है तो इसको ना आप कैसे बगैर कॉपीराइट इसको ना अनकॉपीराइट करेंगे। तो इधर आ जाना है, तो इधर आपने सेलेक्ट करके, ठीक है, तो इसकी जो साउंड है वो पहले तो इधर कर देना। ये तो मैं खुद कर रहा हूँ अपने से, क्योंकि इसकी मैंने सिर्फ वीडियो को अनकॉपीराइट कैसे करना है वो तरीका, मेन जो इसमें टॉपिक है ना वो तो आपको बताऊंगा, ठीक है। और तो आपको पता होगा तब इंस्टाग्राम में आपने ऐसा करना है, ये कॉपीराइट वीडियो है, आपने लेयर पे जाना है, ऊपर जो है ना फोटो जो वीडियो ये जिसमें लगाते हैं इधर आ जाना है। आपने कोई ब्लैक कलर का ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास स्क्रीन शॉट में ब्लैक कलर होगा, ब्लैक कलर आपने ब्लैक कलर का ना कोई ऐसा कर लेना है फोटो इधर नीचे। एक मिनट यार, वीडियो भी यार इतनी मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा यार, अगर समझ ना आए ना तो पूछ लेना है मुझसे। ये इसको ना इधर कर लेना है, ये इतना आगे मैं नहीं लेके जाता, इधर ही थोड़ा सा ना, ये इसको ना फुल कर लेना है इधर, ठीक है। इधर हो गया, ब्लैक कलर का होना चाहिए, दूसरा कोई और कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझना है फिर ये नहीं कहना कि यार समझ नहीं आई, ये बहुत नहायत यार ये आसान और नहायत यार वर्किंग फुल है ये ठीक है। तो फिर आपने इधर चले जाना है साथ वाले फ्लिकर पर, ठीक है, फ्लिकर पर ओके कर देना है, ठीक है। फिर इसी पर क्लिक करके इसको जो मेन जो ट्रिक अभी मैं बताने वाला हूँ वो ये आपने अभी देखना है, ठीक है। ये जो पढ़ा है ना मेन ट्रिक, हाँ यहाँ पर समझना है आपने, ये जो पढ़ा है ना ये चीज़ है असल मेन कॉपीराइट वीडियो को फ्री कॉपीराइट बनाने की, यही ट्रिक है जो अभी आप देखना है, अभी देखना है। इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, इसको हल्का पीछे गिन इधर आए, ठीक है, इधर ओके कर देना है। आप वीडियो को जब आप चलाएंगे ना तो इधर एक लाइट आपको दिखाई दे रही होगी छोटी छोटी ना, कभी बंद और कभी ऑन हो रही होगी, ठीक है। ये कभी भी आपकी वीडियो को ना कॉपीराइट या कोई क्लेम नहीं आ सकता इस पर, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मेरी ऑडियो भी कॉपीराइट है उसको भी फ्री कॉपीराइट बनाना है, ठीक है, उसके पीछे आप क्या करेंगे कि ऑडियो पर चले जाना है, ठीक है, इधर कोई
कोई भी इधर ना ये लगा देना है, नो कॉपीराइट यू मेरे साथ, इसको ना ओके करके इसको सेलेक्ट कर लेना है ऐसे। तो आपने इसको ना पीछे करके साउंड जो इसके है ना ये बिल्कुल तकरीबन 4-5 कर देंगे इधर, मेरा तो चलो 8 पे कर दें ठीक है, इधर करके आप शुरू कर दें ठीक है ना। वो जो है ना वो उस साउंड की जो मैंने नीचे लगाई है उसकी वो तो नहीं आ रही, साउंड तो नहीं आ रही, लेकिन वो आपकी साउंड को भी फ्री कॉपीराइट कर देगा। जो ऊपर वाला है ये वीडियो है ना ये, इसको भी फ्री कॉपीराइट कर देगा। पहले जिसकी साउंड कॉपीराइट थी, अब ये नीचे वाली ट्यून लगाने से फ्री कॉपीराइट हो गए ठीक है। वीडियो तो वैसे भी इस ऑप्शन थे जो मैंने ऊपर फोटो ब्लैक कलर का लगाया उससे अनकॉपीराइट हुई है ना, तो साउंड के लिए वो नीचे वाला ना फ्री कॉपीराइट बना दिया है ठीक है। तो अगर इसमें आपको कोई दिक्कत पेश आ रही है तो मेरे कमेंट में ना मुझे बता देना है। ये कभी भी आपकी कोई वीडियो, कोई किसी यूट्यूबर की वीडियो भी लेकर आप इस तरह एडिट करके लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है, मैंने सादा सादा बताया ठीक है ना। मैं इतनी वीडियो बहुत ज़्यादा हो रही है, लंबी हो रही है, तो मेरे दोस्त कहते हैं कि यार वीडियो लंबी है, इसलिए मैंने समझा कि यार छोटी सी आपको ना ट्रिक बता दूं, जो मेन ट्रिक है ना ये वाली है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। इससे आप कोई वीडियो को बिना एडिट इस तरह एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पर लगा सकते हैं, कोई क्लेम कोई कॉपीराइट नहीं आएगा ठीक है। अगर आप कहते हैं कि यार इसकी साउंड इससे भी ज़्यादा कहूँ बिल्कुल ना आए, तो फिर आपने इस पर क्लिक करके इसकी साउंड को करके साउंड पर क्लिक करके इसको इधर लेके जाना है ऐसे, और ये पिच है ना पिच या ऊपर कर देनी या नीचे कर देनी, इधर कर दें तो फिर तो आपका बिल्कुल ही कोई कॉपीराइट ना ऑडियो पर नहीं आया। ऑडियो तो फिर आपकी सेव हो गई ना, ये तो कॉपीराइट है ही नहीं, यही समझिए आपने बनाई है खुद, उसकी है भी नहीं जिसकी आप कॉपीराइट वीडियो कर रहे हैं। आप इसको कर देना है, फिर अब आपकी बिल्कुल सेव वीडियो हो गई ठीक है ना। अब कोई भी आपको ना इधर नहीं है आपका, ये नहीं है कि तुम कहें कि मुझे क्लेम आ जाएगा कॉपीराइट आ, ये नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये मेन ट्रिक है ये ना काइन मास्टर में, ये आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। अगर किसी ने बताई भी है तो आप मुझे कमेंट में कहना है कुछ, मैं क्योंकि मैं उससे रब्ता करूँगा, क्योंकि फिर वो बहुत ही जो है ना कामयाब फुल यूट्यूबर है जो आपको ये ट्रिक बताए, क्योंकि ना मैंने कभी किसी से ये ट्रिक सुनी है, ना कभी देखी है, ना कभी किसी ने बताया है, कुछ भी नहीं बताया। तो आज ये ना वीडियो आपके लिए मैं तोहफा बदरिए तोहफा भेज कर रहा हूँ ठीक है। तो फिर आपने सेव का ऑप्शन इधर कर देना है, तो जैसे सेव भी कर सकते हैं ठीक है ना। मैंने खुद अपनी एक वीडियो बनाई है, ये है ना ये कॉपीराइट वीडियो थी ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने खुद अपलोड की है, कोई कॉपीराइट नहीं आया, इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये देखें ये लाइट जो है ना वो हो रही है, इस तरह आपने बनानी है वीडियो ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, इंतज़ार है आपको, अच्छी अच्छी वीडियो मैं बना के दूंगा, तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहने। कोई किसी बात की समझ नहीं आई ना तो फिर कमेंट में बता देना है, तो वो आपका मसला हल कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको ना नीचे कमेंट कर दूंगा ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।